नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं क्रिकॉन रेल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज़ की तरफ से आई एक नई अपडेट के बारे में, जिसमें कि बताया जा रहा है कि हमारा जो ट्रेन 18 प्रोजेक्ट है ये आ गया है काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ है ऐसा कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये ट्रबल में आ गया है, और क्या इस ट्रबल की वजह से हमको आने वाले टाइम में ट्रेन 18 प्रोजेक्ट बंद होता हुआ देख सकता है या नहीं। तो दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बन रहे ट्रेन 18 के नए सेट्स के प्रोडक्शन पर अभी इंडियन रेलवेज़ ने हॉल्ट लगा दिया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी इंडियन रेलवेज़ के इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट के रडार में आ गया है। दोस्तों, मीडिया सोर्सेज की बात माने तो कहा जा रहा है कि इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट अभी ट्रेन 18 प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की परचेज को वेरीफाई कर रही है। दोस्तों, अब सवाल आखिरकार ये उठ के आता है कि एकदम से ऐसा क्या हुआ जो हमारे ट्रेन 18 प्रोजेक्ट के ऊपर काले बादल छा गए। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि रेलवे मिनिस्ट्री को इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से कई बार कंप्लेन करी गई है कि रेलवे के अधिकारी किसी डोमेस्टिक कंपनी को अंड्यू फेवर दे रहे हैं ट्रेन 18 में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स को लेकर। और दोस्तों, एक्सटर्नल कंप्लेन्स बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज और वेंडर्स द्वारा करी गई हैं, जो कि बताती हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट अब ज्यादा ट्रबल में चला गया है। दोस्तों, ट्रेन 18 प्रोजेक्ट ने शुरू से ही काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। इस प्रोजेक्ट के आने के बाद में ही रेलवे के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बीच में इंटर डिपार्टमेंटल फाइट शुरू हो गई थी, और इसी वजह से रेलवेज़ को काफ़ी सारी दिक्कत आई इस ट्रेन को ट्रैक पर लेकर आने में। बात करें अगर हम लोग हमारे करंट सिचुएशन की, तो दोस्तों करंटली ये जो प्रोजेक्ट है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, लेकिन शायद ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पास में भी जा सकता है। दोस्तों, जब तक ये इंटरनल विजिलेंस की रिपोर्ट ख़त्म नहीं हो जाती है, या फिर ये इंटरनल विजिलेंस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता है और रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं, तब तक ट्रेन के प्रोडक्शन को कर दिया गया है बंद। इसका मतलब अगर रिपोर्ट्स में कुछ नेगेटिव आता है तो शायद इस प्रोजेक्ट को रिज्यूम होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। हालांकि इसके बारे में जब रेलवे ऑफिशियल से पूछा गया तो उनका कहना था कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पेक्युलेटिव है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ट्रेन 18 के साथ में ट्रेन 19 का भी प्रोडक्शन अभी पॉज पर चला गया है, क्योंकि दोनों ही ट्रेन्स में एक जैसे ही इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ट्रेन 19, जिसका कि ICF इस साल के एंड तक ट्रैक पर लाने का प्लान बना रही थी, वो भी शायद अब डिले हो सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि रेलवेज़ के डिपार्टमेंट को ट्रेन 18 चलाने के लिए जो जो परमिशंस चाहिए थी उसे भी शायद पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं करा गया है, जिसकी वजह से इंक्वायरी में सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है और काफ़ी सारी फाइल्स को इंटरनल विजिलेंस डिपार्टमेंट की जो टीम है उसने ICF से लेकर अपने पास में वेरीफाई करने के लिए रख लिया है। हालांकि हमारी करंटली रनिंग ट्रेन 18 ने शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करी थी, पर अच्छी तरह मेंटेनेंस होने के बाद में ये ट्रेन काफ़ी सक्सेसफुली चल रही है, और कुछ समय पहले ही इस ट्रेन ने अपने 1,00,000 किलोमीटर का सफ़र भी पूरा किया है, और नया ट्रेन सेट भी दिल्ली पहुंच गया है, जो कि दिल्ली से वाराणसी के बीच में एज अ स्पेयर रैक यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों, रेलवेज़ आने वाले टाइम में 140 ट्रेन 18 और ट्रेन 19 के रैक्स को प्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन सडनली ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ गया है। अब देखना ये है कि मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट ट्रेन 18 के साथ में आगे जाकर क्या होता है, क्या लगता है इसी बारे में ज़रूर से मुझको बताइएगा अपने व्यूज़ के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाकर आपको बहुत सारी ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।